नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश गुड बाय मनमोहन। देश में सरकार किसी की भी बने, लेकिन इतना तय है कि अब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। बहुत जल्द ही मनमोहन सिंह 7RCR को गुड बाय कर रहे हैं। 10 बरस तक वो देश के प्रधानमंत्री रहे, ऐसे एकमात्र प्रधानमंत्री जो बाकायदा रिटायर हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इतिहास कैसे प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह को याद करेगा? हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख। वाकई 10 साल तक इस खामोशी ने वाकई तमाम सवालों की आबरू रखी। सीने में जवाबों का समंदर उमड़ता रहा, बोलने के लिए लोग उकसाते रहे, चुप्पी पर सवाल उठाते रहे, लेकिन इस सरदार ने तो जैसे लब ही सिल लिए थे। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख। मनमोहन सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद देश में सबसे ज्यादा वक्त तक प्रधानमंत्री रहे, देश के सबसे ताकतवर पद पर रहे, लेकिन कमजोर प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे ज्यादा बदनाम भी हुए। इस देश में 10 साल का प्रधानमंत्री का परफॉर्मेंस ये है कि वो 1100 बार बोले थे। और पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री कार्यालय को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना पड़ा कि प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह ने कितनी बार चुप्पी तोड़ी है। 10 साल में तकरीबन हर तीसरे दिन एक स्पीच दे चुके हैं, कोई 1198 के आसपास स्पीच दे चुके हैं। मनमोहन सिंह न तो कभी राजनीति में रहे और न ही राजनीति से उनका कोई खास लेना देना रहा। आई मनमोहन सिंह डू स्वेयर। हालात की मजबूरियों ने उन्हें प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाया, तो मजबूर और कमजोर प्रधानमंत्री का तमगा उनके नाम के आगे से विपक्ष ने कभी हटने नहीं दिया। मैंने ऐसा कमजोर प्रधानमंत्री पहले कभी नहीं देखा, और मैंने जब भी उनको कमजोर कहा है, मेरे मन में एक ही भाव रहा है, और वो ये रहा है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण कोई पता होता है तो प्रधानमंत्री के निवास का पता होता है। 7 रेस कोर्स रोड का कोई महत्व नहीं रह गया। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। दस साल के कार्यकाल में मनमोहन सिंह ने बहुत कुछ देखा, देश को विकास की राह पर चलते देखा, तो अपनी ही सरकार को भ्रष्टाचार की गर्त में जाते देखा। कभी कोई कलमाड़ी कॉमनवेल्थ गेम में करोड़ों का वारा न्यारा करके मनमोहन के साफ दामन पर कलंक लगा गया, तो कभी किसी राजा ने अरबों का 2G घोटाला करके मनमोहन को दागदार किया, तो कभी कोयले की कालिख ने मनमोहन का मान मैला कर दिया। तो क्या भारत के राजनीतिक इतिहास में मनमोहन सिंह को सबसे मजबूर और कमजोर प्रधानमंत्री के तौर पर आंका जाएगा? सबसे भ्रष्टाचार वाली सरकार के प्रधानमंत्री के तौर पर याद रखे जाएंगे? क्या रिमोट कंट्रोल से चलने वाले प्रधानमंत्री के तौर पर इतिहास याद करेगा मनमोहन सिंह को? आई डू नॉट बिलीव दैट आई हैव बीन अ वीक प्राइम मिनिस्टर, दैट इज फॉर द हिस्टोरियंस टू जज। मनमोहन सिंह खुद भी ऐसा मानते हैं कि इतिहास उनके प्रति ज्यादा दयालु होगा, मुझे नहीं मालूम होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये फैक्ट है कि पूरी दुनिया में जो अर्थव्यवस्था की हालत थी उसका भारत पर असर पड़ा। मनमोहन देश को ये भरोसा दिलाने में नाकाम रहे कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। मनमोहन में काबिलियत की कमी नहीं थी, उनकी ईमानदारी को लेकर कभी कोई सवाल नहीं उठा, उनके कमिटमेंट पर
कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। कोई मनमोहन सिंह ऑनेस्ट आदमी, जानकार आदमी, ऐसा क्या हो गया कि पहले 5 साल ऐसे गए कि दोबारा आप सत्ता में आ गए और दूसरे 5 साल ऐसे गए? सिर्फ एक कारण है कि किसी भी कीमत पर सत्ता में बने रहने की कीमत चुकानी पड़ रही है। मनमोहन सिंह जो रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे, चंद्रशेखर ने जिन्हें प्रधानमंत्री बनने के बाद अपना वित्तीय सलाहकार बनाया, नरसिंह राव ने जिन्हें बुलाकर देश का वित्त मंत्री बनाया। आई मनमोहन सिंह डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड, एक बार प्रधानमंत्री बने तो जनता ने खुश होकर काम का इनाम दिया, लेकिन दोबारा जब गद्दी पर बैठे तो न खुद संभल पाए और न सरकार संभाल पाए। विपक्ष की माने तो बस रिमोट कंट्रोल पीएम बनकर रह गए। आज तक ब्यूरो। गुड बाय मनमोहन। वाकई देश के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिनका कभी कोई राजनीतिक आधार नहीं था, है भी नहीं। लोकसभा का एक चुनाव भी उन्होंने नहीं लड़ा, शायद आज भी लड़े तो हार जाएं, लेकिन करारी शिकस्त मिली। हमेशा राज्यसभा से चुनकर आते रहे, फिर भी प्रधानमंत्री बने, 10 वर्ष तक राज किया। दरअसल हालात ही कुछ ऐसे थे जिनमें मनमोहन सिंह के अलावा कोई और विकल्प ही नहीं था। वफादारी और गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि मनमोहन की खूबी बन गई और प्रधानमंत्री पद तक ले गई। हमें केवल आप पे विश्वास, यू हैव टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर। ये सियासत का सबसे हाई वोल्टेज ड्रामा था। यूपीए को बहुमत का आंकड़ा मिल गया था, लेकिन ऐन वक्त पर सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद स्वीकारने से मना कर दिया था। I would follow my inner voice. Today that voice tells me I must humbly decline this post. राजीव गांधी जी से मेरा भारत महान, टुडे यू हैव प्रूव। रोना धोना हुआ, मनाने की लाख कोशिशें हुई, लेकिन सोनिया टस से मस नहीं हुई। और इसी बीच उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए मनमोहन सिंह का नाम आगे कर दिया। आई मनमोहन सिंह डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड। 22 मई 2004 को मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मनमोहन ने बतौर प्रधानमंत्री अच्छी पारी खेली। उन पर रिमोट कंट्रोल पीएम का आरोप जरूर लगा, लेकिन अपनी बेदाग छवि के सहारे उन्होंने नैया पार लगा दी। मनमोहन सिंह सरकार ने सूचना का अधिकार देकर जनता के हाथों में एक बहुत बड़ी ताकत थमाई। इसके अलावा सरकार ने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट बिल, नेशनल टैक्स ट्रिब्यूनल बिल, डिजास्टर मैनेजमेंट बिल, मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स बिल जैसे अहम बिल पास करवाए। मनमोहन सरकार ने नरेगा लागू करके ग्रामीण इलाकों के हर इंसान को 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी। एनडीए सरकार में जीडीपी की जो ग्रोथ 5.9 थी, यूपीए 1 में वो 8.4 पहुंच गई। सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो राष्ट्रहित में काम करे और जनता के भविष्य को सुरक्षित रखे। 2009 का लोकसभा चुनाव आया, बहुत चर्चा चली कि अब राहुल गांधी की ताजपोशी का वक्त आ गया है, लेकिन सोनिया ने सारे कयासों को थता बताते हुए मनमोहन सिंह पर भरोसा जताया। बार बार पार्टी के नेता कहते हैं कि राहुल गांधी में प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण मौजूद हैं, तो आखिर वो वक्त कब आएगा? क्योंकि जितनी उम्र इनकी है उतनी उम्र में राजीव गांधी पीएम बन गए थे, प्रणव दादा ये कह चुके हैं, तो क्या इस चुनाव में या इस चुनाव में बिल्कुल नहीं, या आगे आने वाले वक्त में कब? आपने ये कवर को देखा? हाय मनमोहन सिंह डू स्वेयर। मनमोहन को क्या पता था कि इस बार कांटों का ताज उनका इंतजार कर रहा है। पहले तो आर्थिक मंदी से निपटने में पसीना छूटा और फिर घपलों और घोटालों की पूरी फेहरिस्त बनती चली गई। 1,70,000 करोड़ रुपए का 2G लाइसेंस घोटाला,
1,85,591 करोड़ रुपए का कोयला घोटाला, करोड़ों रुपए का कॉमनवेल्थ घोटाला, आदर्श घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, मनरेगा घोटाला। तो मनमोहन सिंह बहुत कुछ करना चाहते थे, जिन लोगों ने उनको करने नहीं दिया और बाद में छोड़ के भी चले गए, तो ये हुआ कि आप कुछ काम ही नहीं कर पाए और बदनामी ऊपर से ली। मनमोहन सरकार हर मोर्चे पर फेल हो रही थी, महंगाई बेलगाम हो गई, जनता त्राही त्राही कर उठी, पेट्रोल और डीजल के दाम बेतहाशा बढ़े तो टमाटर और प्याज भी 100 रुपए किलो से ज्यादा की कीमत में बिकने लगा। पूरी दुनिया में बदहाली है और चीन के बाद सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है और बाकी सब अर्थव्यवस्थाएं बहुत पीछे हैं। तो कहीं मुझे ऐसा लगता है कि परसेप्शन गेम में सरकार को वो सफलता नहीं मिली जो चुनावी जीत के लिए जरूरी होती है। विदेश और रक्षा नीति का आलम यह था कि कभी पाकिस्तानी सैनिक हमारे सैनिकों का सिर काट ले गए तो चीन बार बार भारत की सीमा में घुसपैठ करता रहा। आप कल्पना करें, हमारे देश के जवानों के सर काट के ले जाए और कुछ दिनों के बाद उसी देश के प्रधानमंत्री को चिकन बिरयानी का भोजन दिया जाए। मनमोहन सिंह की बेइज्जती का आलम तो ये रहा कि उन्होंने दागी नेताओं को चुनाव लड़ने की इजाजत देने वाला जो बिल संसद से पास करवाया था, राहुल गांधी ने उसकी धज्जियां उड़ा दी। Complete nonsense, and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. मनमोहन सिंह विदेश दौरे पर थे, राहुल की कारस्तानी सुनी तो सख्ते में आ गए। And when I go back, I will discuss these matters with Mr. Rahul Gandhi. He has asked for a meeting with me. ऐसा लगा कि मनमोहन इस्तीफा दे देंगे, उन्हें इसकी सलाह भी कई लोगों ने दी, लेकिन मनमोहन ने गद्दी नहीं छोड़ी। आप अगर नहीं काम कर पा रहे हैं तो हट जाना चाहिए था। तो सिंपल एक सेंटेंस में कहूंगा कि किसी भी कीमत पर सत्ता में बने रहने की कीमत यूपीए को चुकानी पड़ी है। मनमोहन सिंह ने वफादारी की कीमत चुकाई, तमाम आरोपों का ठीकरा उनके सिर फोड़ा गया। मनमोहन बद नहीं थे लेकिन बदनाम ज्यादा। मनमोहन सिंह की जिंदगी दरअसल सादगी की मिसाल है। अपने मिजाज के मुताबिक ही उन्होंने कैरियर चुना, इकोनॉमिक्स के लेक्चरर के तौर पर कैरियर शुरू भी किया, लेकिन अर्थशास्त्र की जानकारी उन्हें नई ऊंचाइयों पर ले गई। रिजर्व बैंक के गवर्नर बने, किसी प्रधानमंत्री ने उन्हें अपना वित्तीय सलाहकार बनाया तो नरसिम्हा राव ने तो सीधे वित्त मंत्रालय उन्हें सौंप दिया। आर्थिक सुधार भी किया और मनमोहन ने अपने हुनर पूरी दुनिया को न सिर्फ दिखाए बल्कि जमीन पर उतारा भी उसे। पैसा पेड़ों पर तो लगता नहीं है, अगर हमने कोई कार्रवाई नहीं की होती तो वित्तीय घाटा कहीं ज्यादा बढ़ जाता। अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री देश को बता रहे थे कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। प्रसंग रिटेल में एफडीआई और डीजल के दाम बढ़ाने का था। मनमोहन खुद सवालों में घिरे थे। क्या बोले तो कोई बात बने, खामोशी गलतफहमियां बढ़ाती है। कमजोर प्रधानमंत्री, मजबूर प्रधानमंत्री, खामोश प्रधानमंत्री और रिमोट प्रधानमंत्री जैसे उपनाम भी उनके साथ जुड़ने लगे। आपके पॉपुलैरिटी का ग्राफ गिरने लगता है। तो वही होता है, कोई कह रहा था कि हारे हुए कैप्टन की हर बात गलत होती है। ये उन मनमोहन सिंह का राजनीतिक हश्र था जिनकी जिंदगी में कामयाबी की एक लंबी दास्तान जुड़ी है। अपनी काबिलियत से वो अर्थशास्त्र के प्रोफेसर से रिजर्व बैंक के गवर्नर बने थे। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो मनमोहन को प्लानिंग कमीशन का उपाध्यक्ष बनाया। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने तो मनमोहन को अपना वित्तीय सलाहकार बनाया, और जब नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने तो मनमोहन को देश का वित्त मंत्री बना दिया। जब वो वित्त मंत्री थे उन्होंने जो कुछ भी किया, मेनली जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं अनशैकलिंग ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, तो जो एक बंधा हुआ था पूरा इकोनॉमी,
चाहे हम इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो उसमें एक बड़ा उछाल आया। राव कुशल कैप्टन थे और मनमोहन सिंह उनकी टीम के सचिन तेंदुलकर। अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही थी, देश का सोना गिरवी रखने की नौबत आ चुकी थी, महंगाई चरम सीमा पर थी। मनमोहन ने जब आर्थिक सुधारों की छड़ी घुमाई तो काया पलट होने लगा। विपक्ष मनमोहन पर सवालों की बारिश कर रहा था, लेकिन मनमोहन के सिर पर छतरी ताने नरसिंह राव खड़े थे। मनमोहन सिंह ने विदेशी निवेश का रास्ता खोल दिया था, आर्थिक सुधार रंग दिखा रहे थे, देश का गिरवी रखा सोना भी वापस आया, अर्थव्यवस्था भी पटरी पर लौटी। उदारीकरण के चलते इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम सेक्टर में क्रांति हुई और इस क्षेत्र में करीब 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिला। ग्लोबलाइजेशन का दौर है, भारत विकसित देशों से कदम ताल को तैयार है, तो इसके पीछे मनमोहन सिंह की उन नीतियों और फैसलों का भी योगदान है जिनके जिक्र के बगैर मनमोहन सिंह का इतिहास पूरा नहीं होगा। आज तक ब्यूरो 7 RCR, एक ऐसा घर जिसमें बीते 10 बरस से मनमोहन सिंह रह रहे थे। जाहिर है अब चंद घंटे बचे हैं। मंगलवार को उन्हें PMO में अपने सारे कर्मचारियों से मुलाकात की, सहयोग के लिए आभार जताया। पुलक चटर्जी ने तो एक गुलदस्ता दे दिया पीले रंग का, हर कोई खुश था, तालियां भी बजा रहा था। मनमोहन सिंह जा रहे थे, लेकिन सवाल ये नहीं है। दरअसल मनमोहन सिंह अब शायद ही किसी सियासी मंच पर नजर आए, लेकिन उनका किया धरा सब इतिहास के पन्नों में अब समाने जा रहा है। उनका सियासी सफर तमाम कामयाबी और नाकामियों से भरा पड़ा है। उनके नाम के आगे क्या दर्ज होगा, यह तो इतिहास को ही तय करना है। राहुल गांधी has outstanding credentials to be nominated as the presidential candidate, and I hope our party will take that decision at an appropriate time. सरकार किसी की भी बने, सत्ता किसी को भी मिले, लेकिन मनमोहन सिंह का मन अब भर चुका है। करीब 42 साल उम्र हो चुकी है, अब तक वो लगातार काम ही करते रहे, कभी खाली नहीं बैठे। अब उम्र ढलान पर है, रिटायरमेंट का फैसला पक्का है, जो भी किया सब इतिहास बनने जा रहा है। इतिहास चटपट निर्णय नहीं करता, खासकर उस आदमी का जो अभी कुर्सी में है अभी कुछ दिन। मुझे ऐसा लगता है हमें इतिहास की ओर से कोई फैसला नहीं सुनाना चाहिए। लगातार 10 साल तक 7 RCR में रहे मनमोहन अब बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी में है। नया बंगला भी तय हो चुका है। मनमोहन 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग के उसी बंगले में रहेंगे जिसमें कभी दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित रहा करती थी। मनमोहन सियासत को हमेशा के लिए अलविदा कह रहे हैं। उनकी जिंदगी नाकामियों और कामयाबियों की दास्तानों से भरी पड़ी है। इतिहास भी उन पर फैसला करने में कश्मकश में रहेगा। आज तक ब्यूरो।